क्या आप भी व्हाइट बालों से परेशान हैं? लोगों ने टोकना शुरू कर दिया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे जाता जा रहा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है। अब आपने आगे क्या सोचा है? क्या हेयर कलर कराओगे सैलून जाकर? यही ऑल्टरनेट सोचा होगा मेरे हिसाब से, जो कि मैं अभी के अभी कहूंगा बिल्कुल रुक जाओ, अभी के अभी स्टॉप हो जाओ, अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हो अपनी स्किन से, अपने बालों से, अपनी आंखों से। जो आप हेयर कलर लगाने जाते हो ना, उसमें इतने ज्यादा केमिकल्स होते हैं ना कि मैं वर्ड्स में आपको नहीं बता सकता। अमोनिया हो गया, इनफाइनाइट अदर केमिकल्स जो बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं आपकी स्कैल्प को भी और आपकी स्किन को भी, और साथ साथ आपकी आंखों को अफेक्ट करते हैं। आजकल आईसाइट्स लोगों की इसलिए भी वीक हो रही है बिकॉज वो कलर रेगुलरली लगाते हैं। आप एक बार सोच कर देखो, एक तरफ हम जा रहे हैं हर्बल प्रोडक्ट्स देने चाहिए, हर्बल स्किन केयर लो, हर्बल हेयर केयर लो, और उसके बाद आप लगा रहे हो हेयर कलर जो कि आपके बालों में रहेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप जब शैम्पू और कंडीशनर लगाते हो ना, कोई केमिकल वाला, वो तो आपने एकदम लगाया और वॉश कर दिया, चलो केमिकल थोड़ा गया बट एकदम वॉश भी हो गया, बट जो आप हेयर कलर लगाते हो ना, वो तो आपके बालों में सिट रहता है बहुत लंबे समय तक। तो एक बार दोबारा सोचना अगर हेयर कलर लगाना फाइनल कर दिया है, और हम आपको हेल्प करेंगे इसके बेटर ऑल्टरनेट के लिए। मैं जो आपको आज तरीका बताने वाला हूं ना, वैसे तो वो बहुत ही आसान है, बहुत मामूली से इंग्रेडिएंट आपको लेने हैं जो आपको आराम से मिल भी जाएंगे और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी होंगे। बट एक चीज मैं एडवांस में बता देता हूं, आप में अगर पेशेंस होना तो ही आज की रेमेडी फॉलो करना, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा, और इसके अलावा ये कलर निकलेगा भी जल्दी ऑब्वियसली बिकॉज उसके विदाउट केमिकल है। जो आप केमिकल वाला कलर लेते हो वो टिकता थोड़ा ज्यादा है, बट ये वाला उससे टिकेगा भी कम और वक्त भी ज्यादा मांगेगा। है पेशेंस, अगर आप इतना टाइम दे पाओगे, इतना धैर्य दे पाओगे, तो वीडियो साथ बने रहो, कमाल की रेमेडी बताने वाला हूं जो होने वाली है बहुत इफेक्टिव। और उसके साथ साथ कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, नीचे जाके वो रेड सा बटन भी दबा लो, उससे हमें पता लगे आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और वीडियो को अभी के अभी कर दो शेयर भी, ताकि ये वीडियो आपके साथ दूसरों को भी हेल्प करे। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ आगे और आपको बताते हैं हाउ टू कलर एंड कंडीशन योर हेयर नेचुरल। हमारी आज की नेचुरल हेयर डाई का सुपर हीरो इंग्रेडिएंट रहने वाला है कॉफी। कॉफी के आप ऑलरेडी जानते हो कितने फायदे होते हैं हमारे बालों के लिए, कंडीशन करता है, हेयर फॉल रोकता है, और कंपेयर करें अगर हम हेयर कलर से, जो केमिकल वाले होते हैं वो तो उल्टा नुकसान देते हैं। तो ये हो गया कलर भी, केयर भी। पर एक चीज मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, अगर आपने रिसेंटली कोई भी केमिकल कलर करवाया है या केमिकल कलर ट्रीटमेंट की तरफ आप गए हो, तो ये डाई आपके लिए बिल्कुल ही इनइफेक्टिव होने वाली है, बिकॉज वो एक बैरियर का काम करता है आपके बालों में और कोई भी एक्सटर्नल चीज से, और कलर नहीं चढ़ने देता। अब जो हमारी नेचुरल डाई, अगर आपके वर्जिन हेयर है तब तो बहुत ही बढ़िया काम करने वाली है, बट अगर आपने हेयर कलर करवाया हुआ है तो आपको धीरे धीरे आपके बाल अडेप्ट करेंगे और ये कलर आपके बालों में चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सब्र रखना और हमारी रेमेडी दिल से फॉलो करना, बहुत फायदा देगी आपको। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये कलर कैसा देगी आपको। हर हेयर टाइप और हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही कलर डिफरेंट देगी। कुछ पे देगी ये डार्क ब्राउन कलर, कुछ पे देगी ये लाइट ब्राउन कलर, कुछ पे देगी नेचुरल ब्राउन कलर। अब वो टोटली डिपेंड करता है आपके हेयर टेक्सचर और टाइप के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ नेचुरल हेयर डाई के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। एक लिस्ट बना लो, ये सारे प्रोडक्ट इकट्ठा कर लो, फिर बनाऊंगा मेकिंग और एप्लीकेशन। सबसे पहले तो चाहिए आपको कॉफी पाउडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा आज का सुपर हीरो इंग्रेडिएंट। सेकंड आपको चाहिए कंडीशनर, कोई भी कंडीशनर चलेगा, जो आपके पास अवेलेबल हो वो वाला कंडीशनर आप ले सकते हो। थर्ड आपको चाहिए एक मिक्सिंग बोल। इसके अलावा आपको चाहिए होगी ओल्ड टी शर्ट, कोई भी आपकी पुरानी टी शर्ट हो, क्योंकि वो थोड़ा सा टपक सकता है और आपके कपड़े खराब कर सकता है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक डाई ब्रश और एक ग्लव्स चाहिए, ताकि वो आपके हाथ पे ट्रांसफर ना हो। अब आगे बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले आपको चाहिए होगा बॉइलिंग वाटर, अच्छे से पानी लो, उसको प्रॉपरली बॉइल करने के लिए रख दो। साथ में आपको चाहिए हाफ कप ऑफ कॉफी पाउडर, उसमें आपने ऐड करना है वो बॉइलिंग वाटर। आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी कंसिस्टेंसी हो वो क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी हो, कि ऐसा ना हो कि इतना पतला हो जाए वो टपकने लग जाए। अपने जरूरत के अकॉर्डिंग, जैसे वो हेयर कलर की कंसिस्टेंसी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग डालो। प्रॉपर्ली अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दो, थोड़ी देर आपको मिक्स करना पड़ेगा, अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा आपका पानी और कॉफी पाउडर। फिर आपने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे वो ठंडा हो जाए उसमें आपने ऐड करना है 3 स्पून्स ऑफ हेयर कंडीशनर, जो भी आपने पिक करा है। प्रॉपर्ली अगेन बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो। अब बारी आती है एप्लीकेशन की। अब जब आप अप्लाई करोगे, सबसे पहले अपनी वो पुरानी वाली टी शर्ट पहन लो, ताकि आपके कपड़ों में बिल्कुल भी कलर ट्रांसफर ना हो। हेयर्स को सेक्शन में डिवाइड कर लो और प्रॉपरली डाई ब्रश की हेल्प से प्रॉपरली अप्लाई करना शुरू कर दो। आपने मेक श्योर करना है कोई भी व्हाइट रूट आपने नहीं छोड़ना, प्रॉपरली अप्लाई करना है अपने लेंथ पे भी और रूट्स पे भी।
इसको आराम से लगे रहने दो फॉर वन आवर, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। ज्यादा देर भी रहने दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं देने वाला। ये आपके बालों को कंडीशन करेगा बहुत ही ब्यूटीफुली, बालों को सॉफ्ट करेगा बहुत ही ब्यूटीफुली, और कलर भी देगा बहुत ही बढ़िया। मिनिमम एक घंटा है, ज्यादा से ज्यादा दो ढाई घंटे भी आप रख सकते हो, कोई नुकसान नहीं देने वाला। जैसे आपका टाइम पूरा हो जाए देन आपने इसको वाटर से रिंस कर देना है। शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ पानी से वॉश करना है प्रॉपरली मसाज कर। अगर आप शैम्पू करोगे ना तो कलर प्रॉपरली डाइल्यूट हो जाएगा। पहले यूज में कोई मैजिकल रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना, कंडीशनिंग तो बहुत बढ़िया हो जाएगी बट कलर स्लोली आता है, स्लोली आएगा बट श्योरली आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। जब आप पहली बार वॉश करोगे ना वो थोड़ा सा टिंट आना शुरू हो जाएगा आपके बालों में। आपने इनिशियली इसको फॉलो करना है हफ्ते में 3 बार, आप धीरे धीरे इसकी वो कम कर सकते हो, जैसे हफ्ते में 1 बार तक आ सकते हो, बट आफ्टर अ वाइल। पहले आप इसको 3 बार आराम से लगाते रहो, ये सोच लो बस कि अपने बालों को मैं कंडीशन कर रहा हूं, और धीरे धीरे बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर आना शुरू हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन सा शेड आएगा, फिर डार्क ब्राउन शेड आएगा। हर हेयर पे ये परफेक्टली वर्क करने वाला है, चाहे आपके हेयर थिन हो थिक हो, बेस्ट रिजल्ट्स देगा आपके लिए। बट प्रोवाइडेड, मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ये सोचकर अप्लाई करना है कि मैं अपनी केयर कर रहा हूँ, अपनी स्किन की केयर कर रहा हूँ और अपने हेयर की केयर कर रहा हूँ। एंड में मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि एक बार आपने रेमेडी रेगुलरली फॉलो कर लेना, सीरियसली आप थैंक यू बोलते नहीं थकोगे। आपको वो केमिकल वाले कलर से छुटकारा मिल जाएगा और मिलेगा बढ़िया वाला कलर, बढ़िया वाली कंडीशनिंग। और इसके साथ साथ एक चीज तो बता ही नहीं, जब आप हेयर कलर लगाते हो ना केमिकल वाला, उसमें आती है बहुत गंदी स्मेल केमिकल्स की, बट जब आप ये कलर लगाओगे इतनी अमेजिंग अरोमा आएगी कॉफी की कि वैसे ही माइंड को प्रॉपरली रिलैक्स कर देगी और कंडीशन और कलर तो वो करेगी। फिर बोल रहा हूँ, तरीके से पेशेंस रखना और कंसिस्टेंटली इस रेमेडी को फॉलो करना। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये रेमेडी उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो व्हाइट बालों से परेशान हो चुके हैं और केमिकल वाले कलर से बिल्कुल ही दूर भागते हैं। क्या पता ये वीडियो उनके लिए भी मैजिक की तरह काम कर जाए। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित तजदेवा, गुड बाय।